मुझे मेरे पौलाश के लिए ऐसी गंगा जैसी लड़की चाहिए। मुझे पता भी नहीं है कि पौलाश को गंगा अच्छी लगती है कि नहीं, पर मैं चाहती तो हूँ कि पौलाश को गंगा पसंद आए। पौलाश के साथ हमारा रिश्ता करवाकर महान बनना चाहते हो ना तुम? हम अपनी जिंदगी कैसे जिए ये फैसला सिर्फ हम ही करेंगे, और हमारी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। कोई हक नहीं है तुम्हारा। सफेद कपड़े पहन के आइए वीडियो की तरह। ये सब ड्रामा है, उसका नाटक है। बहुत जल्दी है मुझसे, मेरे सिंदूर से, मेरे मंगलसूत्र से, बहुत जल्दी है वो सच। काका का भूत। जानवी मेरे पास बताना, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं प्लीज, ये मार डालेगी मुझे। मेरे पास बताना, पास बताना मेरे काका, जाओ यहाँ से। अपने आप को संभालो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। ये मोती ना पाँव में बहुत चुभते हैं, ये छोटे छोटे से मोती, बहुत दर्द होता है। कितनी भी कोशिश कर लो इन्हें उठा ही नहीं पाती, आती नहीं है मेरे हाथों में। सब कुछ बिगड़ गया था, जैसे सागर के साथ मेरा रिश्ता, वैसे ही मंगलसूत्र के मोती, मेरे मंगलसूत्र के मोती टूट के बिगड़ गए, सब खत्म हो गया। अरे वो जो नए वकील साहब आए हैं ना, गुप्ता जी के वहाँ नए किराएदार। हाँ। अरे वही जिनके घर गंगा काम करती है। पुलकित भैया हमको उनके घर में काम करने के लिए कह रहे थे, हमने मना भी किया लेकिन मान ही नहीं रहे थे। अब तुम ही बताओ महाराज जी, 15 दिन में हमको जचकी के लिए जाना है, अब गलत कैसे काम करूंगी मैं? सुबह सुबह तेरा टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया? अरे थोड़ी देर तो अपने मुंह को आराम दे दिया कर मेरी, भगवान बचाए इससे। इनको तो कुछ बोलना ही बेकार। महाराज जी। जी अम्मा जी। ओहो, अब बनारस रहा नहीं, पूजा की थाली ले आई, सब जगह थूक के। जी जी जी। और सुनिए, लल्ला को जगा दीजिए, लल्ला भी अपना कमरा छोड़ के नीरू के दफ्तर में सोता है आजकल। जी। क्या दिन आ गए, क्या बताएं? ये लड़की गंगा ना पीछा ही नहीं छोड़ती, ऐसे गृहस्थी बसेगा इस लल्ला का। सदबुद्धि दे शारिक राम जी। भूत भगा रही हो? भूत? गंगा का भूत? उठ जाओ लल्ला भैया, सुबह हो गई है। अम्मा जी ने कहा है आपको जगा दूं, चाय पी लो। बस भैया यहीं पे रोक दीजिए, यहीं पे। सागर रहने दो, मैं ले जाऊंगी। छोड़िए,
पापा और भैया के बीच में दूरियां आई हैं। आप मेरे लिए अब भी मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी। रुको सागर, तुम भी मेरे लिए अभी भी मेरे प्यारे देवर ही, छोटा भाई और दोस्त मानती हो तुम। और सिर्फ तुम ही नहीं सागर, दादी, माँ, पापा सब मेरे अपने हैं। अरे हाँ, ये मिठाई लाई थी, जाते वक्त घर ले जा। सागर, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? यस, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे क्या होगा? सागर, कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे, क्या बात है? गंगा, तुम कब आए भाभी? सब घर पे कैसे हैं? मायके में सब ठीक है गंगा, लेकिन मेरे ससुराल में कुछ भी नहीं। सागर तुमसे सॉरी कहना चाहता है, बहुत अफसोस है उसे, वो तहे दिल से माफी मांग रहा है तुमसे। तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देती गंगा? गंगा तुम सुन रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्योंकि इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं भाभी, प्लीज। गंगा, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा जब तक तुम दोनों अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते। बचपना छोड़ो, दो समझदार लोगों की तरह जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है, एक बार कह के बात खत्म करो। दोनों चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? सागर, तुम कहो गंगा से वो सब जो तुम मुझसे कह रहे थे। सागर को बहुत पछतावा है गंगा, तुम्हारी माफी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी कर गया ना, सागर के साथ मेरा रिश्ता ऐसे गलसूत्र के बोते। सच, कुछ भी। Yes, गंगा, एनीथिंग, बस तू मुझे माफ करते। जानवी के साथ अपने सारे मनमुटाव खत्म कर दो सागर, वो जिस प्यार के लिए तड़प रही है उसे दे दो। जानवी पत्नी है तुम्हारी। गंगा, तुम इसे शर्त समझो या कुछ और, सागर को हम तभी माफ करेंगे जब ये जानवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेगा। पूछो इससे भाभी, आखिरी बार जानवी से अच्छी तरीके से बात इसने कब की थी? बस शादी कर ली, बहुत हो गया। पूछो इससे भाभी, क्या ये हमारी माफी पाने के लिए हमारी ये बात मानेगा? जानवी को एक पति का प्यार दे पाएगा? हम जानते थे ये नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ बोलता है, कुछ कर नहीं सकता। एक मिनट गंगा, ठीक है, अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सागर, क्या कह रहे हो तुम? भाभी प्लीज, आप कुछ नहीं कहेंगी?
अगर मैं जानवी को अपने वाइफ के रूप में एक्सेप्ट कर लूं, उसे एक हस्बैंड का प्यार देने के लिए राजी हो जाऊं, तो क्या तू शादी के लिए मान जाएगी? क्या तू एक नई जिंदगी शुरू कर लेगी? बोल गंगा। हाँ हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है सागर, लेकिन पहले तुम्हें खुद को जानवी के लिए एक अच्छा पति बनकर दिखाना होगा। तब हम इस बारे में सोचेंगे। ठीक है गंगा, मैं तेरी शर्त पूरी करके दिखाऊंगा, तू बस मेरी शर्त याद रखना। गंगा, ये कैसी शर्त लगा बैठी तू? कैसे भूल पाओगी उसे जो तुम्हारी आत्मा में बसा है? झूठ था सब, सागर के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते भाभी। पहली बार सागर से झूठ बोला हमने। जानवी, रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूँ सागर। नहीं, तुम भी उसी से मिले हुए हो, उसी की टीम में हो, है ना? तुम दोनों मिलके बर्बाद करना चाहते हो मुझे, है ना? जानवी, क्या हो गया तुम्हें? नो, मेरे पास बताना, ओके? डोंट यू डेयर। जानवी, ये कैसी बातें कर रही हूँ? मैं तुमसे बात करने आया हूँ। नहीं, तुम मुझे टॉर्चर करने आई हो, जैसे वो करती है। कभी मेरे सपनों में आती है, मेरे रूम में आती है, उसे बोलते रहती हूँ जाओ यहाँ से, लेकिन वो जाती नहीं है, पीछे पड़ी हुई है। कौन? जानवी, क्या बोल रही हो तुम? होश में आओ, कौन पीछे पड़ी है तुम्हारी? किससे डर रही हो तुम? गंगा, देखो देखो, हर जगह वही है। जानवी, क्या? देखो, तुम्हारे पास उसकी महक आ रही है, यही रहती है ना वो? तुम्हारे दिल में बहुत सा प्यार है ना उसके लिए, आखिरी बार जानवी से अच्छी तरीके से बात इसने कब की थी? बस शादी कर ली, बहुत हो गया। गॉड, मैं रियलाइज ही नहीं किया कि जानवी इस हाल में, उसकी तकलीफ, उसके दर्द को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की मैंने। ना ना महाराज जी, ना जान ना पहचान, ऐसे मुंह उठाए चले जाएंगे? जाके कह दो उन्हें, मतलब प्यार से समझा दो कि उनकी पूजा में हम में से कोई नहीं आने वाला है। हाँ अम्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महाराज जी, आप मना कर दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों माधवी, हमसे ना सही, सागर से तो जान पहचान है ना, आखिर काम एक ही दोनों का, हमारे पड़ोसी हैं, हम जरूर जाएंगे। शालिग्राम जी, कैसी बातें कर रहे हैं तू नीरू? वो बंगाली है, मांस मछली खाते हैं, अरे हम लोग ब्राह्मण है, हम लोग कैसे चले जाए उनके यहाँ? तो क्या हुआ अम्मा, भगवान कृष्ण भी तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं। आप उनकी पूजा करती है ना अम्मा जी, उनके खान पान से हमें क्या लेना देना? हमें इज्जत देकर बुलाया है, मना नहीं कर सकते। महाराज जी, आप जाकर कह दीजिए उनसे कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, एक
जरूरी केस की सुनवाई है, लेकिन अम्मा जी और माधवी जरूर आएंगे। जी भैया जी, बोल कर आता हूँ। अब तेरे पति ने तो फैसला सुना दिया, तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ खाएंगे नहीं वहां। प्रसाद वसाद दिया ना तो खाने मत बैठ जाना तू, समझी? जी अम्मा। माँ, इतना सब करने की क्या जरूरत है? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, आप इतना सारा काम क्यों कर रही हैं? किराए का मकान है, अपना घर नहीं है, तो इतना सामान इकट्ठा करने की क्या जरूरत है आपको? ले तो की हो बे, हमारे लिए तो हमारा नया घर है ना, और बिना पूजो किए कैसे रहेंगे हम घर में? अरे माँ, एक छोटी सी पूजा कर लेते, गायत्री मंत्र पढ़ लेते, अगरबत्ती जला लेते, काम खत्म हो जाता। इतना सारे मोहल्ले को बुलाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है, अब बिल्कुल चुप। पूजा के काम में ऐसे टोका टोकी नहीं करते। पलाश, याद आया, ये पूजा के लिए फल और मिठाई भी चाहिए ना। जाना बेटा, जल्दी से ले आना, पंडित जी अभी आते ही होंगे। क्या माँ? और सुन, वो सौंदेश मिले ना तो सौंदेश ही लाना। सॉरी सर। सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? इसमें तुम्हारी क्या गलती? आज मेरा दिन ही खराब चल रहा है। काम बताओ। सर, हम तो ये केस की फाइल्स देने हैं। हाँ, वहाँ पे टेबल पर रख दो प्लीज, जाओ। नमस्ते आंटी। अरे गंगा, आ गई तो? नहीं आंटी, हम तो बस ये फाइल्स देने आए थे, ये सर को दे दीजिएगा। हाँ तो रख देना वहाँ पर। और हाँ जी, आज हमारे घर में पूजो है, आएगी ना? नहीं आंटी, ना, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी तेरा, आना ही पड़ेगा तुझे, समझी? हम कुछ मदद कर दें आपकी? अरे कुछ नहीं बेटा, ज्यादा कोई काम है भी नहीं, मैं कर लूंगी। और वैसे भी कोलकाता में ना ऐसी कोई ना कोई पूजा होती रहती है, आदत है मुझे। और पालाश को पता चलेगा ना तो वो मुझे फिर से बोलेगा कि माँ, गंगा मेरी असिस्टेंट है और तुमने उसे घर के काम में लगा दिया। बैठ जा। हेलो। नमस्ते आंटी, मैं सागर बोल रहा हूँ, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा आंटी, गंगा अभी आपके आसपास ही है क्या? हाँ है ना, पर क्यों सर? आंटी प्लीज, मेरा नाम मत लीजिएगा उसके सामने। मैं नहीं चाहता हूँ कि गंगा को पता चले कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आंटी, मुझे उसी के बारे में बात करनी है आपसे। आंटी आपने कल कहा था ना कि आपको बिल्कुल गंगा जैसी लड़की चाहिए पलाश के लिए, और मैंने कहा था कि गंगा जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ कहा तो था। तो बस आंटी, आप अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर दीजिए कि गंगा से अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी पलाश के लिए। शी इज द बेस्ट। सच? तुझे भी ऐसा ही लगता है? इसीलिए तो कह रहा हूँ आंटी। पर ये दोनों के मन में क्या बात है, वो कैसे पता चलेगा? एक बार मैं मेरे बेटे के मन की बात मैं जान सकती हूँ, लेकिन इससे पलाश पसंद है कि नहीं वो कैसे पता लगाऊंगी? आंटी मैं अभी तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि गंगा का मन एकदम साफ है, बिल्कुल प्योर, एकदम खरे सोने जैसा। आंटी अपनों के प्यार के लिए हमेशा से तरसती रही है गंगा, आप बस उसे अपना प्यार दीजिए, अपने प्यार में इस तरह बांध लीजिए कि वो बस आपकी हो जाए। ठीक है ना, गंगा के पेरेंट्स नहीं है, वो अकेली है वो, तो अगर आप चाहेंगी तो उसे एक फैमिली भी मिल जाएगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ बेटा, बस दुर्गा माँ से प्रार्थना करना कि ऐसा ही हो। और हाँ, थैंक यू।
ये लीजिए पंडित जी। नहीं। आपने तो इतना कुछ कर लिया आंटी, वो भी इतने कम टाइम में। मुझे नहीं, गंगा को बोलो। ये नहीं होती ना तो इतने कम समय में मैं कुछ नहीं कर पाती। सारी तैयारियां हो गई माँ? हाँ बेटा, आ जा बैठ। सर आप तो बहुत जच रहे हैं। नजर मत लगा मेरे लाडले को, खूब वालो लागछे अमार लौकी छेले। पूजा शुरू करें? आप पंडित जी शुरू करें। जी हाँ, ये लीजिए जल, आचमनी कीजिए। अरे गंगा तू वहां पर क्यों खड़ी है? चल बैठ। नहीं आंटी हम ठीक हैं यहाँ। अरे ऐसे कैसे? चलो बैठो। नहीं आंटी हम पूजा में क्यों नहीं बैठ सकती? बैठ जा। तुम नहीं जानती आंटी, हम सुप्रिया भाभी, तुम समझाओ ना। अरे इसमें समझाने की कौन सी बात है? हाँ चलो बैठो। पंडित जी गंगा के हाथ में भी मौली बांधना। बैठ आ जा। अपना हाथ आगे करो बढ़िया।